हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना इस एक्सरसाइज में हम लोग सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं, हमें आवश्यकता है इसकी पानी। तो इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है। तो यहाँ ये दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो लंबाई उसकी ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। इसका मतलब लेंथ हमें पता है तो हमने ब्रेथ को मान लिया, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन, इट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है उसके दो गुने से एक ज़्यादा, यानी टू एक्स प्लस वन। अब कह रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ 2x प्लस 1, ब्रेथ x हो गया 528, x से मल्टीप्लाई कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व नहीं करना, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही, यात्रा कर रही है, तो ये कह रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, लेकिन कह रहा है कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रही है। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आपने ट्रेन की स्पीड को मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। अब यदि उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी जाए 8 किलोमीटर लेस, तो रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन हुआ x माइनस 8, पहले x था, 8 किलोमीटर पर आवर कम हुआ तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड, तो जब ओरिजिनल स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर हमने मान रखा था, जब उस स्पीड से जा रही है डिस्टेंस, तो कितना टाइम लग रहा है, टोटल डिस्टेंस है 480 और टाइम लग रहा है एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ स्पीड कर दिया। तो यहाँ से ये जो चूंकि हमको निकालना था टाइम टेकन, इसलिए टाइम नहीं बल्कि स्पीड कर दे रहे हैं, स्पीड यहाँ पर हमको स्पीड हुआ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है एक्स 480 किलोमीटर और स्पीड हमने एक्स मान रखी है, तो 480 अपॉन एक्स। टाइम टेकन एंड रिड्यूस्ड स्पीड, जब एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो यही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जब इस डिस्टेंस इस स्पीड से चले तो कम, यानी 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अर्थात दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आवर है। तो ये जो वैल्यू, चूँकि इसका ऐसे भी पता कर लेते, जिसका डिनोमिनेटर कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 480 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। 480 आपने कॉमन ले लिया तो आया 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3।
सिंप्लीफाई किया, x माइनस एक्स प्लस एट अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 3 आया। फिर यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो 480 इंटू एट, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x इंटू एक्स माइनस एट तो 160। अब 3 से हमने 480 को डिवाइड कर दिया तो 160 इंटू एट इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एट इंटू किया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, यहाँ इंटू कर लिया तो माइनस 1280। तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1280, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल निकालने, यानी एक्स की वैल्यूज निकालने, तो फैक्टराइज करना आप जानते हैं, 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 12। अब माइनस 12 के दो फैक्टर होने चाहिए, ऐड करने पर माइनस 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12, तो प्लस 3 और माइनस 4, प्लस 3 और माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 आ जाएगा, और प्लस 3 और माइनस 4 माइनस 1 हो गया। इन दोनों में कॉमन आया 3x तो हो गया 2x प्लस 1, यहाँ हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 2x, ये साइन चेंज हो गया प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में आया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरे में आया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2/3। ऐसे यहाँ एक्स की वैल्यू आई -1/2, तो देयर फोर द रूट्स ऑफ 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आर 2/3 एंड -1/2, यही इसके रूट्स हो गए। एग्जाम्पल 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका हमें फैक्टर करना, 3 से हमने इंटू किया 2 में, 3 2 जा 6, तो 6 के ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए कि ऐड करने पर -2√6 और मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाए। तो अगर -√6 और -√6 लिखते हैं, -√6 और -√6, तो -√6 जुट करके -2√6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6 का -√6 में तो 6 आ जाएगा जो हमको चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन लेना है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 सुविधा के लिए, और √6 को भी अगर आप चाहें तो √3 × √2 कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा √6 और 2 को लिख दिया √2 × √2। अब इन दोनों में √3x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा √3x − √2, और इन दोनों में √2 कॉमन ले लिया तो √3x और माइनस कॉमन लेना तो -√2 = 0। तो एक ब्रैकेट में आया √3x − √2, दूसरे में भी सेम आया √3x − √2 = 0, तो √3x = √2, x = √2/3, यहाँ भी आया x = √2/3। सो दिस रूट इज रिपीटेड, वन फॉर ईच रिपीटेड फैक्टर √3x − √2 रिपीटेड आ रहा, सेम आ रहा, तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² − 2√6x + 2 = 0 आर √2/3, √2/3। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सरसाइज 4.2 का कर लेंगे, और एग्जांपल 3 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ये आप कर लेंगे। शेष